वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुशामदीद। और बात हो रही है हेयर स्टाइल की, ब्यूटी की। और जी हम हिना एच के सलून के पास जाते हैं, आज देखते हैं कौन सा हेयर स्टाइल वो यहाँ पर बताना चाहती हैं। जी हिना, आज क्या हेयर स्टाइल है बताएं? आज मैं बनाऊंगी मैसी बन। चलिए स्टार्ट करें जी। मैसी मतलब क्या, ये आगे छुट्टियां वुटियां डालेंगे, ये क्या कहानी है? ये तो फ्रंट मैंने स्टाइल दिया हुआ है, फोर स्टैंड ब्रिज जो मैंने सिखाई थी, ठीक है, वो है फ्रंट मैंने दे दिया। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे बन, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा घुमाना है ताकि आप देख सके। गुड जी। पोनी बनाई है मैंने, एक हाई पोनी टेप, ठीक है, उसके ऊपर मैं डोनट फिक्स करूंगी। ओके गुड है जी। नाजे आप देखें, कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और किसी वक्त मैं इंडस टीवी चैनल पे है ही ना जी, आता था प्रोग्राम 16 सिंगार, तो उस पर बहुत सारे ब्यूटिशियन ने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मुझे मौका मिला, कभी मैं शौक से वो प्रोग्राम देखती थी और मैं कहती थी यार कितना अच्छा प्रोग्राम है, तो लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो अब आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसका इस्तेमाल करते हुए सबको कहती हूँ कि आप लोग भी सीखें। और अगर हमारे शो में आना चाहें तो नंबर है 03158248704, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं जी। देखिए सबसे पहले इन्होंने डोनट फिक्स कर लगा दिए, फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए। मैसी हेयर स्टाइल, मैसी ये बहुत आजकल रन है ये ना स्टाइल। अच्छा, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। अभी देख लेते कितनी जल्दी बनता है, कितने मिनट में। अच्छा मैं समझी, जो आगे जो आपने छुट्टियां वुटियां डाली है, जो पहले से कुछ कटिंग वटिंग डाली हुई है? नहीं, फ्रंट स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है ठीक है, गुड। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो है इतना मॉर्निंग शो में इतना सबको सिखा दिया जाता है, और ख़ास तौर पे आपके शो मैं खुद भी देखती हूँ, और उसमें इतना क्लियर बताया जाता है, बिल्कुल जो है ना सब चीज़ें छुपाया नहीं जाता। तो लोग इतने आराम से जो सीख लेते हैं, हम भी पहले ख्वार होते थे, जाते थे क्लासेस लेने इधर से उधर, और अब तो जो है ना वो इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। एक और बात भी बहुत अच्छी है कि जो लोग टैलेंटेड है वो अगर आते हैं तो दूसरों को सीखने का मौका। बिल्कुल ऐसी बात। चलिए जी, सबसे पहले क्या किया ना, सबसे पहले मैंने एक लेयर ली, ठीक है, इसको टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। गुड है। फिर इसको मैंने इसको जी नाजी गौर से देखिए, हल्का हल्का गुड मॉर्निंग विद सभी का म्यूजिक भी जरा दीजिए शहजाद भाई। ये देखिए साथ में कितना जबरदस्त बन गया। गुड, इसको मैंने वाओ जबरदस्त किया। ओके ये देख, थोड़ा सा इन्हें और इस तरफ करो चंदा, जरा नजर आए। गुड गुड गुड, इट्स ओके, वेरी गुड कर दिया मैंने, और इसको मैं पूरा कवर करती रहूंगी। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। ओके, इस तरह सब लेते जाओ, इस तरह स्टाइल लेके पूरे डोनट को मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, साथ साथ नाज़रीन हम ये भी देखते हैं, हम लोग चलते हैं रूबीना की जानिब, दूसरे कैमरे पर शिफ्ट होते हैं। रूबीना जरा मुझे टोटल स्टार्ट से बताओ कि सबसे पहले अपने बेस लगाई, क्या क्या किस स्टेप किए? चलो सबसे पहले ज़्यादा ऐसा होता है कि कुछ लोग बेस पहले बनाते हैं, कुछ लोग आई मेकअप पहले कर लेते हैं। अगर हम आई मेकअप पहले कर लेते हैं तो हमें ये इजीएस्ट हो जाता है कि जब हम बेस लगाते हैं अच्छा, ना, तो मुझे जगह की क्लोजअप साफ कर लेते हैं, स्किन के नीचे जो हमारा झरड़ा होता है आई शेडो वो हम साफ हो जाता है, क्योंकि बेस लगाते हैं तो उससे पहले क्लीन करके और बेस अच्छा बन जाता है। इस ब्राइट की पिक्चर को तो मैंने पहले इनका आई मेकअप किया, डन किया, मैंने कॉर्नर इनके ब्लैक दिए हैं, ठीक है, और दरमियान में मैंने मल्टी कलर का शिमर लगाया इनकी आईज पर, मल्टी कलर का शिमर लगाया, पहले नीचे हल्का सा रेड का टच देके ऊपर मल्टी कलर का शिमर लगा दिया, ठीक है, और फिर इनकी आईब्रो को ड्रॉ किया, और देन उसके बाद मैंने माशाल्लाह क्या जबरदस्त काशीज का नंबर 5 वॉल्यूम, मैंने इनका नंबर 5 फाउंडेशन यूज किया, मैंने कोई कंसीलिंग नहीं की, इतनी अच्छी इनकी कवरेज है, तो मैंने उससे इनका बेस जो है वो टोटली बनाया है। मैंने कोई कंसील नहीं किया, कोई मैंने इनके वो नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने इनकी कंटूर किया स्किन को, इनकी स्किन वैसे ही माशाल्लाह हाइजीनिक थी और शार्प हैं इनके वैसे ही नैन नक्श, तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा कंटूर की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब आप डन हो गया, हाँ जी, वाह जी वाह रुबीना जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग शेफ शाहिना शुमाइल की जानिब चलते हैं, और जल्दी से चंदा उसमें वो डाल दो बैंगन ताकि हम लोग इसको क्लोज करें, ताकि फिर हम आपका भी थैंक्स करें। यहाँ जो है आलूओं को टमाटर के साथ डाल दिया था और इसको तकरीबन मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो बैंगन मेरे पास मौजूद है अब मैंने ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने बैंगन इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, और क्योंकि जो आलू होते हैं वो थोड़ा जल्दी गलते हैं और बैंगन जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब
टाइम लेते हैं, तो इसलिए जो है मैंने बस इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे मेरे ख्याल में। ये सिर्फ और जितना दम पे पकेगी तो टेस्ट जी ये बिल्कुल रेडी है। आपने इसमें कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, बस इसको आपने लो फ्लेम पे ये इसको आपने कुक करना है और ये तकरीबन 15 मिनट्स में आपकी डिश रेडी हो जाएगी। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास ग्रीन चिली मौजूद है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये 5 मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड की है और इसको मैंने अच्छे से इसको मसाले के साथ फ्राई कर लिया है ताकि बैंगनों पे अच्छा सा मसाला और इसका जो कलर है वो आ जाए। और अब हम इसको जो है वो कुक करने के लिए रख देंगे और 15 मिनट्स आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, इसके अंदर वाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। और यहाँ ये मैंने अचारी आलू बैंगन, तकरीबन हमारी डिश कम्प्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया। चलिए जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं हिना कोमल की जानिब। नहीं पहले हिना हो गया आपका कंप्लीट हो गया रुबीना? जी मेरा कंप्लीट हो गया, बस दुपट्टा सेट करते जी, ठीक है, जब तक हम का दुपट्टा सेट करें हम चलते हैं हिना कोमल की जानिब। हिना जी कितना रह गया चंदा, जरा जल्दी से, यू हैव जस्ट ओनली 3-4 मिनट्स जी। बस हो गया? नहीं नहीं बस हो गया, बस को डोनट कवर करना है बस, ठीक है जी। हम एक रैम्बो देख लेते हैं, तो जब तक ये भी डन हो जाएगा इसको भी एंड में डिस्प्ले कर देंगे, कैसा है? कर लें, सॉन्ग रेडी कर दें जल्दी से, चकले पट्टे। इन्हें ये बताओ, जैसे मैंने कहा था ब्यूटी टिप्स की बात कर रही थी मैं साथ साथ, और साथ इना भी मौजूद है, रुबीना भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ अगर ब्राइड ही आ जाए फिर तुम बैठ के एक होम रेमेडी भी बता देना, तो अगर आपकी ब्राइड रेडी हो जाए, ब्राइड को खड़ा कर दो, आप बैठ जाओ। अच्छा जी आप वहाँ पर हो जाओ गुड़िया, आप बैठो रुबीना। रुबीना ये बताओ कि जब अक्सर आपको ऑफकोर्स सैलून में आप काम भी करते हो, आप किचन में भी काम करते हो, तो ये जो ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए बेहतरीन होम रेमेडी क्या है? बेहतरीन होम रेमेडी ये कि अगर आपके पास सबसे पहले तो आप स्किन को एलोवेरा अगर आपके घर में है फ्रेश एलोवेरा आप ले लें, तो उसको आप सन एज ए सन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। हमने उसके क्यूब काटे, एलोवेरा के अंदर के क्यूब्स काट लिए, आपने उसको किसी प्लास्टिक के जार में नहीं रखना, कांच का जार। अच्छा। हमारे पास जैम की अक्सर खाली बोतलें होती हैं, तो हम उसमें सेव करके रख लेते हैं। आपने थोड़ा सा लिया हाथ पे ऐसे किया और चेहरे पे लगा लिया, देन आप किचन में चले गए, आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, क्लोज कभी भी नहीं होते हमारे पोर्स, क्योंकि क्लोज हो जाएंगे तो हमारी जो निकलता है सीबम निकलता है हमारी स्किन को जो हाइजीनिक करता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो श्रिंक हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं, क्योर कर सकता है, हाँ ये कर सकता है कि आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा एकदम वो ऑयली हो जाती है वो ऑयल थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है आपका। और आजकल ब्लैक हेड्स हर एक के मुंह पे, क्योंकि ओपन पोर होते हैं उसमें मेल बहुत ज्यादा चला जाता है, तो व्हाइट और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो उसका इजिएस्ट तरीका ये है कि अगर आप सैलून नहीं जा सकती हैं तो अंडे की सफेदी को लें, अच्छी तरह बीट करें उसको, बीट करने के बाद आपने एक लेयर अंडे की सफेदी की लगाई, देन ऊपर ये मेरे पास जिस तरह का वाइट टिश्यू है इस तरह का टिश्यू ले लें आप, ठीक है, उस टिश्यू को आपने पूरा उसके ऊपर चिपका लिया, फिर दोबारा आपने कोट दिया अंडे की सफेदी का, फिर ऊपर ये चिपका लिया, देन तीसरा कोट अंडे की सफेदी का दे के उसको 20 मिनट तक छोड़ दें। वो जैसे हमारा एक मास्क होता है ना, पिल ऑफ मास्क आप प्रेमो के लिए उस स्टाइल में वो हो जाता है, और वो जब ड्राई हो जाए तो आप उसको इस तरफ से पकड़ के ऊपर की जानिब आप खींचेंगे तो आपके उसके साथ ब्लैक हेड भी रिमूव होंगे और आपकी स्किन इतनी शाइनी हो जाएगी जैसे वाकई में आपने स्किन पॉलिश करवाई है। थैंक यू रुबीना, आपका बहुत शुक्रिया। एंड 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 10 मिनट से क्या हो गई इतनी जल्दी, क्यों 5 मिनट? हेलो नहीं 5 मिनट लेना क्या, इतनी जल्दी क्या हो गया? हाँ हिना कितना रह गया चंदा? हिना कोमल दो लेयर्स रह गई हैं। अच्छा जी मैं चल रही हूँ हिना की तरफ। हिना जैसे आपने मुझे अभी ये होम रेमेडी बताई, ठीक है, अच्छा होम रेमेडी जब हम लोग यूज करते हैं जैसे आपने कहा ये स्टेप, उसके बाद हम इसको रिमूव करके फिर हम ठंडे पानी के छपके मार चिल वाटर से, लेकिन बर्फ कभी ना डायरेक्टली यूज करें स्किन पे। लेकिन लोग तो बड़े उसके क्यूब बनाते हैं बर्फ के लगाते हैं, पता है यही तो मसला है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ एजुकेशनल क्लासेस कम दी जाती है, प्रैक्टिकल क्लासेस ज्यादा दी जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी ब्यूटिशियन से क्लास ले रहे हो तो उनसे को हमें एजुकेशनल क्लास दे, थ्योरी लाजमी बताएं अपने स्टूडेंट को, ठीक है, तो उससे ये होता है बर्फ वैसे तो चिल होती है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है, ओके, वो थोड़ी देर के लिए हमारी स्किन को चिल कर देगी, देन उसके बाद जो हाइड्रेशन निकलेगी ना वो आपका पूरे बेस का सत्यानाश कर देगी।
अच्छा अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर इतनी इस तरह की वो बर्फ की क्यूब्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि हम तो फिर अपने आप को तबाह बर्बाद, एजुकेशनल नहीं है हमारे यहाँ, एक गूगल बाबा सही नहीं। हाँ गूगल बाबा अक्सर सही बातें हैं, वो कहते हैं ना बड़ों की सोहबत में बैठना चाहिए, हमेशा गूगल सच नहीं कहता। तो बड़ी बूढ़िया ना बहुत अच्छी रेमेडीज बताया करती थी, लस्सी से बाल धोया करती थी, मेरे बाबा बताया करते थे लस्सी से बाल धोते हैं तो उससे बड़े हेयर फॉल रुक जाता है, बाल बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो ये, और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, मेरा न्यू सैलून है, तो आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जो से जो भी मेरे पास आएगा उसको 20% ऑफ होगा। चले जी, दैट्स गुड, ऑल ओवर सर्विसेज पे बी आप ऑफ गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा जी, हम इना डन हो गया चंदा, क्या बात है। चलिए जब तक बीट्स लगते हैं एंड में इनके क्लिप को एंड कीजिएगा। रैम बुक दिखाई हिना, आपका बहुत शुक्रिया, एंड हिना आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड रुबीना आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर एक नए सूरज की तरह फिर तुलू होंगे, फिर मुलाकात करेंगे। दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़। लेकिन रुबीना की प्रेजेंटेशन देखना ना भूलिएगा, एंड हिना कोमल की बिल्कुल एंड में जब तक वो बीट्स वगैरह लगा रही हैं। अल्लाह हाफिज़।